हेलो गाइज, वेलकम टू माई चैनल। और आज मैं थोड़ा बहुत कुछ क्रेजी करने वाला हूँ। सो आई एम लिटिल बोर्ड ऑफ माई कार्स लुक। सो मैं ये करूँगा कि मेरे जो स्टील रिम जो मेरे ए स्टार में लगे हैं वो मैं निकाल के अपने डैटसन में लगाऊंगा, और डैटसन में जो एलॉयज लगे हैं उसे मैं ए स्टार में लगाऊंगा। तो मैंने फ़िलहाल के लिए मैंने ए स्टार से जो स्टील रिम्स लगे हुए थे वाइट रिम्स वो मैंने निकाल के इस गाड़ी में रख लिया है। और अभी हम जा रहे हैं एक टायर शॉप पे, तो उस टायर शॉप पे जाके हम इसे फिट करके फिर मैं आपको कंप्लीट वीडियो दिखाता हूँ दोस्तों। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट टायर टेक में आ गए हैं। तो हमने एक्चुअली यहाँ पे एक टेस्ट ड्राइव किया था। जो ये भाई साहब है, इन्होंने जो स्टील रिम्स थे वाइट रिम्स उन्होंने इसमें लगा के टेस्ट ड्राइव किया था। तो एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गया था कि ये टायर वबल कर रहा है। तो मैंने इनसे पूछा कि वबल क्यों कर रहा है, तो उन्होंने मुझे बताया कि इसका जो हब का साइज़ है और जो स्टील रिम्स के हब का साइज़ है वो डिफरेंट है। तो जो स्टील रिम्स के हब का साइज़ है वो थोड़ा छोटा है, और इसका जो ओरिजिनल जो स्टॉक है वो थोड़ा बड़ा है, तो वही मिसमैच हो रहा है इसीलिए वबल कर रहा है। तो दोस्तों अभी हमें एक काम करना पड़ेगा कि ये एक एडिशनल काम हो गया है। तो हमें अभी जाना है मथिन भाई के गैरेज में। मथिन भाई के गैरेज में जाके हमें ये पूरा ठीक करवाना है। इसका जो रिम्स है, जो सील रिम्स है मॉडिफाइड वाले को, उसको हमें उसका हब साइज़ थोड़ा बढ़ाना है। तो दोस्तों चलिए हम अभी मथिन भाई के गैरेज में चलते हैं। मैं मथिन भाई के गैरेज में इसीलिए आया हूँ ताकि ये हब का साइज़ जो है इसको थोड़ा बड़ा कर सकूँ। तो मैं आपको शॉप पर ले चलता हूँ दोस्तों। दोस्तों ये रिम तैयार हो गई है, और आपको मैं कंपेयर करके दिखाता हूँ ये दो। इसको अभी मथिन भाई ने ठीक किया है एज पर जो हब है, और ये पुराना वाला है। तो आप हब अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में डिफरेंस है। ये थोड़ा सा बड़ा है देन दिस वन, एंड दिस इज़ द स्टॉक वन जो मैं बता रहा था। और आप अगर रिम्स का साइज़ देखेंगे कितना डिफरेंस है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका, दिस इज़ 8.5J, दिस इज़ 5J, तो कितना डिफरेंस रहता है दोस्तों रिम्स में देख सकते हैं दोस्तों। मथिन भाई इसमें मेजरमेंट करके ये जो एक्सेस था उसको काट के उसको कंप्लीट जो नॉर्मल जो ओरिजिनल जो स्टॉक रिम्स है उसके साइज पे लेके आ रहे हैं इसको दोस्तों। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि दिस इज़ द स्टॉक ए स्टार के जो रिम्स थे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा ऊंचा है, और ये जो मथिन भाई ने अभी मॉड किया है ये देख सकते हैं आप पूरा फ्लैट है। ये सेकेंड वाला भी बन चुका है, दिस इज़ कम्प्लीटली फ्लैट। ओके, ये देख सकते हैं आप, ये फ्लैट है लेकिन ये अभी तक ऊंचा है। ओके, तो इसे हमें थोड़ा सा बड़ा करके इसको निकालना है ताकि परफेक्ट फिटिंग आए। दोस्तों हम मथिन भाई के गैरेज से वापस आ गए हैं, और फिर वही शॉप पे हम आए हैं, और ये रही मेरी गाड़ी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आप देख सकते हैं चारों टायर अंदर है, चारों रिम्स भी अंदर है, दोनों की डिफरेंस देख सकते हैं। इस तरफ एलॉय अभी तक लगा हुआ है, अभी तक निकाला नहीं है। इस तरफ हमने ये 8.5J का रिम्स लगा दिया है, और इसके बाद फिटिंग अच्छे से, भाई बता सकते हैं ये फिटिंग अच्छे से हुआ है ना अभी? अच्छा, ये हब हब पूरा परफेक्ट फिट बैठा है। ये पूरा, ये पहले क्या प्रॉब्लम आ रहा था, आधा हो गया था ना, मतलब हब घुस नहीं रहा था, तो वॉबलिंग भी इसी तरह, इसीलिए वॉबलिंग भी हो रहा था।
दोस्तों, जैसे कि मैंने आप सबको दिखाया कि सबसे पहले मैंने इसमें टायर लगाया था, फिर हमने इसमें अलाइनमेंट का चेक किया है, तो नाउ द कार इज रनिंग एब्सोल्युटली फाइन। प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइए हाउ द कार इज लुकिंग, एंड क्या ये स्टील रिम्स में बेटर लग रहा था या ये गोल्डन और ब्लैक एलॉयस के जो मिक्स है उसमें बेटर लग रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। एंड इसके बाद मैं आपको मेरा डैटसन का कार दिखाता हूँ दोस्तों, जो गो प्लस है उसमें दिखाता हूँ कि उसमें वाइट रिम्स कैसे लग रहे हैं दोस्तों। तो चलिए मैं आपको अभी ले चलता हूँ। हाय दोस्तों, द कार इज फाइनली रेडी और मैं आपको दिखाता हूँ द कार इज लुकिंग वेरी वेरी नाइस। तो इसमें मुझे एक और एक सेकेंड चैलेंज भी आ गया था, तो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, इसके बाद यू टेल मी कि कैसा लग रहा है, एंड देन आई विल टेल यू क्या क्या चैलेंज मैंने फेस किया था इसमें। नाइस है ना दोस्तों, प्लीज़ कमेंट कीजिएगा हाउ द कार इज़ लुकिंग। मुझे तो बहुत ही मस्त लग रहा है मेरा कार, एंड द टायर आप देख सकते कितना बाहर आ चुका है, एंड इट इज़ लुकिंग सो मैसिव एंड सो नाइस। तो मुझे जो चैलेंज हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। जब मैंने ये टायर लगाया था, ये टायर लगाने के बाद एक टायर हिल ही नहीं रहा था, एक्चुअली जो फ्रंट टायर वो हिल ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रेक्स कैलिपर कहाँ गया, ये जो ब्रेक्स कैलिपर है, ये ब्रेक्स कैलिपर एक्चुअली स्टील रिम्स को टच हो रहा था, तो ये टायर मूव ही नहीं हो रहा था, दोनों फ्रंट के टायर्स मूव ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने एक छोटा सा इतना 6-7 mm का मैंने स्पेसेस लगा दिया। स्पेसेस लगाने के बाद द कार इज़ रनिंग एब्सोल्युटली फाइन। द कार मैं आपको एक छोटा सा साइड वेज भी दिखा देता हूँ। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना दोस्तों मेरी कार कैसी लग रही है। सो दोस्तों, आई होप ये वीडियो आप सबको बहुत पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, एंड आई विल सी यू ऑन माय नेक्स्ट वीडियो गाइस। सी यू, बाय बाय।